नमस्कार। रिसेंटली प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने कोरोना वायरस के प्रभाव को रोजगार पर क्या असर हुआ है उसको जानने का प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से गरीबों की संख्या लगभग 2 गुना बढ़ी है तथा 32 मिलियन पीपल्स यानी 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में और भी कई सारी मुख्य बातें हैं जिनको हम आगे वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि भारत एवं विश्व में पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, और यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो यह रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। यह एक US बेस्ड संस्था है जो विभिन्न मुद्दों पर आंकड़े इकट्ठा करता है जिसमें पब्लिक ओपिनियन, डेमोग्राफिक रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस एंड अदर डाटा ड्रिवन सोशल रिसर्च शामिल हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए सभी देशों का अपना अपना अलग मेथड होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेशन किस प्रकार करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का जो मेथडोलॉजी है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, तो वह केवल इनकम लेवल पर है, यानी कोई व्यक्ति एक दिन में 1.9 इंटरनेशनल डॉलर जो US डॉलर है उतना कमाता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। जबकि भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ हम इनकम लेवल पर नहीं, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग पर किया गया खर्च के आधार पर तय करते हैं। इस समय इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन रंगरंजन कमेटी के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार यदि एक व्यक्ति जो शहर में रह रहा है तथा 1407 रुपये पर मंथ खर्च नहीं कर रहा है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गाँव में रह रहा है तथा वह पर मंथ 972 रुपये खर्च नहीं कर रहा है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन नीति आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे आंकड़े इकट्ठा करता है। नेशनल सैंपल सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI के अंतर्गत आता है। भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए समय समय पर लगातार कमेटियां बनाई गई हैं और जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। इनमें से कुछ कमेटियां या कुछ व्यक्ति जो प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पूर्व भी भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए प्रयास कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला एवं उल्लेखनीय नाम दादा भाई नरोजी का आता है। दादा भाई नरोजी जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी को निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति साल भर में 16 से 35 रुपये के बीच में कमाई कर रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। शायद आपको आश्चर्य होगा कि 16 से 35 रुपये वो भी पूरे साल, तो हाँ यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय भारत अत्यधिक गरीब देश था। दूसरा प्रयास था नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938, जिसमें उसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 15 से 20 रुपया पर मंथ कमाई कर रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। तीसरा है बॉम्बे प्लान 1944 में, इसमें पॉवर्टी लाइन को 75 रुपये और वो भी पूरे साल भर की इनकम पर रखा गया। अब बात कर लेते हैं कि आज़ादी के बाद में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाई गई कमेटी। सबसे पहली कमेटी थी प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962। यह पहली कमेटी थी जिसने रूरल एवं अर्बन यानी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पॉवर्टी एस्टिमेशन का अनुमान लगाया। दूसरा है BM दांडेकर एंड यनरथ 1971। यह पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट था भारत में गरीबी को निर्धारित करने का। इन्होंने कई आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। अगला है अलग कमेटी 1979, फिर उसके बाद है लकड़वाला कमेटी 1993,
फिर 2009 में तेंदुलकर कमेटी, जो फिलहाल इस समय भारत जिस आधार पर पॉवर्टी को निर्धारित करता हुआ है, रंगराजन कमेटी 2014। यह कमेटी 2012 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 को भारत सरकार को सौंपी, जिसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति यदि वह शहर में रह रहा है तो 47 रुपये तथा गांव में रह रहा है तो 32 रुपये पर डे यदि वह खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। इस प्रकार भारत में गरीबी को निर्धारित करने के लिए समय समय पर कई सारी कमेटियाँ बनाई गई थी। आप एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम या कहीं पर आपको डेफिनेशन लिखना होता है कि पॉवर्टी क्या है, तो गरीब को वर्ल्ड बैंक कैसे परिभाषित करता है कि गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है भोजन, वस्त्र और घर। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको एक एक करके समझते हैं कि उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। लेकिन एक चीज़ उससे पहले आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्लास को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है इनकम टीयर्स। यदि कोई व्यक्ति $2 से एक दिन में कम कमाई कर रहा है तो वह पुअर माना जाएगा। यदि वह 2 से 10 के बीच में है तो उसे लो इनकम, 10 से 20 डॉलर के बीच में है तो मिडल इनकम, 20 से 50 है तो अपर मिडल इनकम तथा 50 के ऊपर है तो वह हाई इनकम में माना जाएगा। और एक ज़रूरी चीज़, जो ब्लू बार है वह प्री पैंडेमिक प्रोजेक्शन को शो कर रहा है तथा जो रेड बार है वह पोस्ट पैंडेमिक इस्टीमेशन को प्रोजेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पर जितनी बातें करेंगे वह भारत के बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट में भारत एवं विश्व के बारे में भी बताया गया है, लेकिन हम सबसे पहले भारत के बारे में समझेंगे। तो पहली मुख्य बात है कि इसमें बताया गया है कि भारत में गरीबों की संख्या बढ़ी है। आप इस चार्ट से देख सकते हो, पोस्ट पैंडेमिक पॉवर्टी पॉपुलेशन, जो पुअर पॉपुलेशन थी, वह 5.9 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई है। तथा इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत में पॉवर्टी रेट भी बढ़ा है, जिसमें लगभग 9.7% का इंक्रीज हुआ है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, मैं लगातार सरकारी प्रयासों की वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच में लगभग 262 मिलियन यानी 26.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि भारत में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में रोजगार की समस्या कितनी चिंताजनक है। दूसरा है रिड्यूस मिडिल इनकम क्लास, यानी मिडिल क्लास के लोगों की संख्या घटी है। प्री पैंडेमिक यह संख्या 9.9 करोड़ जो घटकर 6.6 करोड़ हो गई है, अर्थात 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए हैं। तीसरा, श्रंक लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप प्री पैंडेमिक 119 करोड़ था, वह घटकर 116 करोड़ हो गया। उसी प्रकार से रिच पॉपुलेशन का भी नंबर्स 0.3 करोड़ से 0.2 करोड़ हो गया। यानी आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास, लो इनकम ग्रुप तथा रिच पॉपुलेशन की संख्या घटी है जबकि पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। यह हुई भारत की बात। यदि आप इसे ग्लोबल सिनेरियो में भी समझेंगे तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में भी पॉवर्टी इंक्रीज हुई है तथा पूरे विश्व में तथा पॉवर्टी रेट में भी 10.4% का इंक्रीज हुआ है। प्री पेंडेमिक पूरे विश्व में गरीबों की संख्या 672 मिलियन थी यानी 67 करोड़ थी, जो कि पोस्ट पेंडेमिक में बढ़कर 803 मिलियन यानी 80 करोड़ हो चुकी है। यदि भारत की स्थिति को आप चाइना से कंपेयर करेंगे, क्योंकि चाइना में भी जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना का प्रभाव चाइना में भारत की अपेक्षा बहुत कम है। चाइना में भी गरीबों की संख्या बढ़ी है लेकिन वह बहुत ही कम है। कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव साउथ एशिया के नेशन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एटसेट्रा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तथा इन देशों में गरीबों की संख्या बढ़ी है तथा मिडिल क्लास से लोग बाहर हुए हैं। आई होप अब तक आपने सब कुछ समझ लिया होगा कि यह रिपोर्ट क्या है, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए
तो इसमें जो सबसे मुख्य वजह थी, कोविड-19 की वजह से पूरे देश भर में लगभग 5 से 6 महीने भर लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से लगभग सभी रोजगार बंद हो गए थे तथा करोड़ों लोगों को रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ा। हालांकि कोरोना से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जारी किया, तीसरा है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान जारी किया, जिसमें सरकार का प्रयास था कि लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। इन प्रयासों के द्वारा सरकार प्रयास कर रही है कि कोरोना से उत्पन्न हुई समस्याओं को कम किया जाए तथा लोगों को रोजगार दिया जाए। अब आपसे एक छोटी सी अपील है, यदि आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो कृपया अवश्य करें तथा अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करें तथा इस विकट समय में भविष्य को लेकर आप सदैव आशान्वित रहें एवं कठिन मेहनत करते रहें। धन्यवाद।